हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही स्वागत है इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने टॉपिक लेना है डेट इज़ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है जी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आज हम लेंगे। तो इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सटेंशनलिज्म पढ़ाया था तो वहाँ पे ये एब्सर्ड टॉपिक आया था, एब्सर्ड टर्म आई थी, जिसमें मैंने निहिलिस्ट की बात की थी। निहिलिस्ट जो भगवान को नहीं मानते हैं एंड उनके लिए कैसे कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर चीज़ मीनिंगलेस है, नथिंगनेस है, मतलब कुछ है ही नहीं है। देयर इज़ नो फन ऑफ लाइफ, देयर इज़ नो पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ इज मीनिंगलेस, नथिंगनेस। तो इसी टर्म से संबंधित जो भी प्लेज आए, इसी परस्पेक्टिव से संबंधित जो भी परफॉर्मेंस हुई, जो भी ड्रामा आए, जो थिएटर इससे संबंधित था, उसको दोस्तों हमने द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाम दिया। ठीक है, एब्सर्ड का मतलब क्या है? कि कुछ भी है ही नहीं, ज़िंदगी का पर्पस ज़ीरो है, ज़िंदगी मीनिंगलेस है, ज़िंदगी नथिंगनेस है। ठीक है, ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। तो जब उसी थीम पे आधारित वर्क परफॉर्म किए गए, प्लेज आए, ड्रामा आए, जिनकी थीम इससे संबंधित थी, तो वो दोस्तों हमारा थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आया है ना। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि एकदम जब आपने टॉपिक पढ़ना शुरू करना है तो एकदम नहीं टॉपिक के करेक्टर्स पे आप जंप करिए, सबसे पहले जो टर्म है, कॉन्सेप्ट का नेम है, उसको देखिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे यहाँ पर गागर में सागर, इस नेम से ही हमने पूरा एक इंट्रो अच्छे से ले ली कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड जिसमें हम कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस, नथिंगलेस, फालतूनेस, उससे संबंधित जो थीम है, उससे संबंधित जो भी परफॉर्मेंस हुई, ड्रामा एंड प्लेस, वो इसमें आते हैं। अब आइए इससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मोमेंट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो काइंड ऑफ एक प्लेज आए थे, इसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, वो हमारी एक्सप्रेशनिज्म एंड सोरेलिज्म पे है। तो देखो, एक्सप्रेशनिज्म एंड सोरेलिज्म मैं आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुकी हूँ, है ना। एक्सप्रेशनिज्म अभी आगे आएगा, सोरेलिज्म मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो सोरेलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हम सुपर रियलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसी से संबंधित ये हमारा थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। एक्सप्रेशनिज्म अभी मैंने आपको आगे पढ़ाना है तो आपको पता लग जाएगा। पर अगर आपको डायरेक्ट ये नहीं भी पता कि ये एक्सप्रेशनिज्म या सोरेलिज्म से संबंधित है, आई होप अब आपको इतना तो पता लग गया है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। एब्सर्ड यानी कि नथिंगनेस, मीनिंगलेस, नियर ज़ीरोनेस, निल जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, उसको शो करते हुए प्लेस या ड्रामा लेकर आना। ठीक है, और सबसे पहला की पॉइंट आपको पता लग गया कि इसकी जो रूट्स हैं वो एक्सप्रेशनिज्म एंड सोरेलिज्म में है। ठीक है, किस में है इसकी रूट्स? एक्सप्रेशनिज्म एंड सोरेलिज्म में है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ अगेन, कि दोस्तों ये एक एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक एमसीक्यू है, ये अकेला भी पेपर में आ सकता है एंड कंबाइन लेवल पे भी जो स्टेटमेंट आ जाती हैं, फिर पूछा जाता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि इसकी जो रूट्स हैं वो एक्सप्रेशनिज्म एंड सोरेलिज्म मूवमेंट में है, यानी कि उनसे संबंधित जो भी पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए गए हैं वहाँ से ये आया है, ये कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद दोस्तों, अब इसी थिएटर ऑफ एब्सर्ड में मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी सबसे पहले जो राइटर, डैट इज सैमुअल बेकेट। ठीक है, सैमुअल बेकेट वन ऑफ अ पॉपुलर राइटर हैं, उनका वन ऑफ अ पॉपुलर वर्क है वेटिंग फॉर गॉडॉट, जो 1955 में आया था। ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडॉट, गॉडॉट का मतलब यहाँ पे है गॉड, यानी कि भगवान, तो आप भगवान का वेट कर रहे हो। ये 1955 में, 1955 में सैमुअल बेकेट का वर्क आया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था? नथिंग हैपन, नोबॉडी कम्स,
नो बॉडी गोज इट्स ऑफुल, तो इसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, इट्स लिटरली ऑफुल। ऑफुल यानी कि बड़ा दुखदाई है ये, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, वर्क का नेम देखिए, वर्क का नेम है वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, कि आप गॉड यानी कि भगवान का वेट कर रहे हो, ठीक है। पर उसी इंतजार में ये क्या कह रहे हैं, नथिंग हैपन, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स ऑफुल, कि कुछ भी नहीं होने वाला जो आप बड़ा इंतजार कर रहे हो भगवान का, कुछ भी नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन, कोई नहीं आएगा, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, कोई नहीं जाएगा, और इट्स लिटरली ऑफुल, बहुत ही दुखदाई है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का नेम है सैमुअल बेकेट, वर्क का नेम है वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, ईयर है 1955, और इसी में ये स्टेटमेंट दी गई है, नथिंग हैपन, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स ऑफुल। तो देखिए राइटर, वर्क का नेम, ईयर का नेम, उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी में ही नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे जो राइटर बताना चाहती हूँ वो मेरे सामने सबसे पहले यहाँ पे हैं अल्बर्ट कॉमस, ठीक है, अल्बर्ट कॉमस, देन आई हैव यूजीन आइनेस्को, देन आई हैव हारोल्ड पिंटर, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आपको सैमुअल बेकेट बताए, यहाँ पर मैं आपको इसी थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित बाकी राइटर बता रही हूँ। कौन कौन से हैं, अल्बर्ट कॉमस, यूजीन आइनेस्को और हारोल्ड पिंटर, ठीक है। अब अल्बर्ट कॉमस के कौन कौन से वर्क हैं जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित है, एक है मिथ ऑफ सिजिपस जो 1942 में आया है, मिथ ऑफ सिजिपस 1942 में आया है, एक है द आउटसाइडर जिसे हम स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, ये 1943 में आया है, ठीक है, आउटसाइडर या स्ट्रेंजर जो 1943 में आया है अल्बर्ट कॉमस का। उसके बाद दोस्तों यूजीन आइनेस्को का वर्क है द बोल्ड सेपरेनॉट, ठीक है, द बोल्ड सेपरेनॉट यूजीन आइनेस्को का वर्क है जो 1949 में आया है, कब आया है, 1949 में आया है। और हारोल्ड पिंटर का वर्क है द बर्थडे पार्टी जो 1959 में आया है, हारोल्ड पिंटर का वर्क है बर्थडे पार्टी जो 1959 में आया है। तो ये आप ध्यान से पहले वर्क देख लीजिए, अल्बर्ट कॉमस का मिथ ऑफ सिजिपस 42, आउटसाइडर या स्ट्रेंजर मैंने पीछे में पढ़ाया था 43, फिर यूजीन आइनेस्को का बोल्ड सेपरे नॉट, ओके, फिर हारोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी। ध्यान से देखो ये क्रोनोलॉजिकली भी है, मिथ ऑफ सिजिपस 42, आउटसाइडर या स्ट्रेंजर 43, बोल्ड सेपरे नॉट 49, बर्थडे पार्टी 59, है ना। तो आपने देखा होगा ना मिक्स मैच में प्रश्न आते हैं ये वर्क किस ईयर आया है, तो ईयर दिए गए हैं, या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आए आप इन्हें अरेंज कर सकते हो, या सिर्फ राइटर और वर्क के नाम पूछे जाएं वो भी आप कर सकते हो। मतलब ना आप ऐसे पकड़े या ऐसे हर प्रस्पेक्टिव से आपको करना आना चाहिए। इसके अलावा बोल्ड सेपरे नॉट के रिगार्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी है, जैसे पीछे हमने ये स्टेटमेंट की थी ना नथिंग हैपन वाली सैमुअल बेकेट की, वैसे ही ये स्टेटमेंट है यूजीन आइनेस्को के बोल्ड सेपरे नॉट के। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, कट ऑफ फ्रॉम दिस रिलीजियस मेटाफिजिकल एंड ट्रांसजेंडर रूट्स, मैन इज लॉस्ट, ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, एब्सर्ड एंड यूजलेस, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है कि जब से हम इस धार्मिक मेटाफिजिकल एंड अपनी ट्रांसजेंडर रूट से मतलब अलग हो गए हैं, जो हमारा जो रिलीजियस जोनर है, हमारा जो धार्मिक जोनर है, हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं उससे अलग हो गए हैं, तब से आदमी लॉस्ट हो गया है, आदमी खो गया है, ऑल हिज एक्शन बिकम सेंसलेस, एब्सर्ड, यूजलेस, और उसके जो भी एक्शन है, उसके जो भी सारे काम है वो सेंसलेस, एब्सर्ड एंड यूजलेस हो गए हैं, ठीक है। सेंसलेस कि अब उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई एक प्रॉपर कुछ है नहीं, मतलब अच्छा योग्य, एब्सर्ड यानी कि फालतू, नथिंग लेस, मीनिंग लेस और यूजलेस हो गए हैं, ठीक है। तो यूजीन आइनेस्को का वर्क है बोल्ड सेपरे नॉट, 49 में आया है, और इसमें उन्होंने कहा है जब से हमने अपने रिलीजियस मेटाफिजिकल एंड ट्रांसडेंटल
रूट से कट ऑफ कर लिया है, या सिंपल कहूँ जो भी हमारा धार्मिक वह रूट्स हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारा जो भी कल्चर है, जब से वहाँ से हमने कट कर लिया है तब से आदमी खो गया है, मैन इज़ लॉस्ट, और उसके जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो सारे काम हैं वो सेंसलेस, मीनिंगलेस और यूजलेस हो गए हैं, है ना। शायद तभी हम कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं पर हमें अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। और पीछे जो नोबडी हैपन, नथिंग हैपन, नोबडी कम, नोबडी गोज, ये स्टेटमेंट है सैमुअल बेकेट के वेटिंग गॉडॉट की। और हमने कट कर लिया अपनी रूट से, आदमी खो गया और उसकी सारी चीज़ें फालतू हो गई, ये है यूजिन आइनेस्को के बोल्ड सेफ्रेनॉट की, ठीक है। मैंने आपको दो टिप दिए हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि बार बार अगर आप गुनगुनाएं राइटर वर्क के नेम, ट्रैक्टर के नेम, कई बार हमको नहीं याद हो पाते तो आपके दिमाग में काफ़ी हद तक बैठते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेंसेस यूज़ करोगे उतना आपका दिमाग में बैठता है। एक मैंने आपको क्या बताया था कि राइटर या वर्क या करेक्टर के नेम समहाउ आपस में इंटरलिंक अगर आप कर लें, कुछ स्टोरी बन जाए तो भी आपको हेल्प होती है और आपका वर्क आपको याद हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे थर्ड टिप मैं आज आपको देना चाहती हूँ कि जैसे इस प्रकार की जब स्टेटमेंट आए कि ये स्टेटमेंट इस वर्क की है या इस राइटर की है, पेपर में प्रश्न आता है ना, ये स्टेटमेंट किसने दी है, किसके बारे में दी है, किस वर्क में है, तो वहाँ पे या तो दो तरीके हैं याद करने के जो आपको हेल्प करेंगे। पहला तो या तो अगर आपको सेंटेंस, वो स्टेटमेंट इजी लग रही है तो उसको प्रॉपर पढ़िए, उसको समझिए, उसका मीनिंग समझिए और फिर समहाउ रिलेट कर लीजिए वर्क से और याद हो जाएगा। जैसे पीछे वाले में आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे क्या था, वेटिंग फॉर गॉड डॉट, हम भगवान का वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, यानी कि ऑब्वियसली आप भगवान का वेट कर रहे हो, आपको कुछ होप है कि कोई आएगा, तो इससे ना रिलेट हो गया कि आप भगवान का वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर गॉड डॉट, पर नोबडी कम नोबडी गोज, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, मतलब भगवान नहीं आएंगे, इस प्रकार से रिलेट करके या आप याद कर सकते हो। या दूसरे नंबर पे जैसे ये वाला जब स्टेटमेंट आई, यूजिन आइनेस्को का बोल्ड सेफ्रेनॉट में स्टेटमेंट है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी स्टेटमेंट याद करो, आप कुछ एक शब्द उठा सकते हो, कुछ एक शब्द आप उठा सकते हो जो समहाउ पेपर में आपको याद रह जाए, ठीक है। जैसे यूजिन आइनेस्को के बोल्ड सेफ्रेनॉट में रूट्स, मैन इज़ लॉस्ट एंड में यूजलेस, ठीक है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किए शब्द, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेकेंड टिप। पहला क्या था कि नॉर्मल स्टेटमेंट अगर छोटी सी है, ईजिली समझ आ रही है, उसको समझ लो और वर्क से जोड़ लो, जैसे वेटिंग फॉर गॉड डॉट में कोई नहीं आएगा, भगवान का इंतजार करो, कोई नहीं आएगा, रिलेट हो गया। या दूसरा बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है, कोई लिंक भी ऐसा नहीं आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, सो एटलीस्ट कुछ ऐसे शब्द आप उठा लीजिए, क्योंकि बेटा आपको लिखने नहीं है पेपर में, आपको सही टिक करना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे शब्द उठा लीजिए जो पेपर में आपको मतलब दिमाग में क्लिक कर जाएं। तो यूजिन आइनेस्को बार बार बोला, दिमाग में याद रखा, बोल्ड सेफ्रेनॉट बार बार बोला, दिमाग में याद रखा, बाद में रूट्स, मैंने लॉस्ट, यूजलेस, कुछ शब्द कर लिए और आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्लियर होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों हमारा लेक्चर, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, आगे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आने वाले एंटी एग्ज़ाम के लिए भी फुल फ्लैश कोर्स पॉकेट फ्रेंडली रेट पे मौजूद है, जहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखा गया है, तो वहाँ पे आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और बहुत प्यारा परिवार है हमारा फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, आने वाले लेक्चर में वी विल टेक एक्सप्रेशनिज्म, टेक केयर। हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते।